शरा समाधान हर तरह के डूबे हुए पैसे निकालता है, उसमें व्यापार के जो पैसे होते हैं, बैड डेट, डेटर रिकवरी, या हमने किसी को लोन दे दिया, या किसी को हमने प्रॉपर्टी के लिए एडवांस दे दिया, प्रॉपर्टी वाला डेवलपर जो है, बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम नहीं कर रहा है, उसके पैसे दे दिए और वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें इंसॉल्वेंसी सिविल क्रिमिनल केसेस भी हम लोग कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी सबसे इजी तरीका है आज की तारीख के अंदर में, इसमें लाखों कंपनियां रजिस्टर है, 10 लाख से ज्यादा कंपनियां एक्टिव है, और सबसे ज्यादा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एलएलपी से ही होता है। उसमें अगर आपने किसी को पैसा दे दिया और आपको 1 लाख से रुपए ज्यादा उनसे लेने हैं, तो आप उसके खिलाफ में इंसॉल्वेंसी का नोटिस भी भेज सकते हैं, क्योंकि अगर उस आदमी ने पैसे नहीं दिए तो उसको ये खतरा मंडराता रहेगा कि कहीं उसकी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं चली जाए। इंसॉल्वेंसी आईबी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था और आज उसमें हजारों केसेस हैं और हजारों लोगों को इससे बड़ी हेल्प मिली है और रिकवरी करने में भी मदद मिलती है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी से भी मिलें, अगर वो व्यापारी वर्ग है, तो उसको हम लोग बताएं कि हम लोग निवेश के पैसे भी आपको निकालने के साथ साथ हम लोग व्यापार के अटके हुए पैसे भी निकाल के देंगे। कारण आप एक व्यापारी आदमी ये समझता है कि अगर उसका 1 करोड़ रुपया अटक गया और वर्किंग कैपिटल साइकिल 2 महीने का है, तो आप समझिए उसका 6 करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान हो रहा है। अगर 6 करोड़ का व्यापार का नुकसान हो और सिर्फ अगर 10% भी प्रॉफिट अगर हम पकड़े, तो उसका 60 लाख रुपए का साल भर का नुकसान है। और अगर वो पैसा किसी कारण से 2 साल तक उस व्यापारी ने नहीं दिया, तो आप समझिए कि जिसके पैसे अटक गए हैं उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो हमें अपने लोगों को, क्लाइंट्स को ये सजेस्ट देनी चाहिए कि उसका वो जल्दी से जल्दी लीगल एक्शन ले और अपने पैसे रिकवरी करके अपने व्यापार को नॉर्मल तरीके से बढ़ाएं और आगे करने में मदद कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग सिविल केसेस भी करते हैं, कई बार इंसॉल्वेंसी एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्मों के ऊपर में आईबीसी कोड 2016 अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट आने वाले भविष्य के अंदर में उसमें भी चेंजेज आने वाले हैं, तो वहां पर भी इंसॉल्वेंसी का केस बन सकेगा, तो वहां पे सिविल केस कर सकते हैं। अगर कोई चीटिंग बेईमानी फ्रॉड कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन कोर्ट पुलिस में भी कर सकते हैं, और अगर पुलिस में कंप्लेन करने के बाद कोई एक्शन नहीं होता है और पुलिस अगर एफआईआर नहीं करती है, तो हमें फिर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जा सकती है। तो जब हम अपने निवेश के प्रति जब हम ज्यादा एक्टिव होंगे, तो ही निवेश के प्रति, व्यापार के प्रति, तो हमारा बिजनेस का जो डूबा हुआ पैसा है वो जल्दी निकलने में हमें मदद करेगा और हमें अपना व्यापार आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अगर किसी की और भी ज्यादा क्वेरी हो तो वो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं, नेटवर्क ही नेटवर्थ है, संपर्क द्वारा ही संपत्ति बढ़ाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। जब कभी भी हम सोशल फंक्शन में जाएं तो देखें स्टेज पे कौन बोल रहा है, फ्रंट रो में कौन है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है, उन लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करें और अपने जाकर के एक हंसी दे करके उसको अपना कार्ड दे के और ये कहें कि सर हम तो डूबे हुए पैसे निकाल के देते हैं, सर हमारा डूबा हुआ पैसा निकाल के देने का ही काम है, हम लोग सोशियो इकोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं, आपका भी भला हमारा भी भला, यू डिजर्व योर मनी बैक। तो हम लोग ये बोले सर एक स्माइल देकर के, सारे समाधान तो है शेयर समाधान। तो इस तरीके से कैची वर्ड अगर जब हम बोलेंगे और अगर वो हंस देगा तो आपको याद रखेगा। मीटिंग के कोशिश ये करें अपना कार्ड सबको दे और उनका कार्ड अगर मिल जाए तो ले लें, नहीं तो उनका नंबर ले लें और मोबाइल में डायल अगर कर देते हैं तो हमारे पास डायल नंबर भी आ जाता है और आजकल तो ट्रू कॉलर से नंबर और ईमेल आईडी दोनों से इजीली सेव हो जाते हैं और वो बंदा भी आपको मिस्ड कॉल देख करके वापस कॉल बैक करेगा और तुरंत एक उसके बाद में एक हम लोग मैसेज कर दें और कंपनी का प्रोफाइल तुरंत मिलने के बाद में वापस भेज दें, इट वॉज प्लीजर मीटिंग यू, माई सेल्फ इज सो एंड सो, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना प्रोफाइल उसको अगर भेज दें तो उसके दिमाग में मेमोरी फ्रेश हो जाती है। और कभी भी अगर लेक्चर देने का मौका प्राप्त हो तो आप खुद भी दें, नहीं हो तो आप हम लोगों को भी बुला सकते हैं तो हम इसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी चीजें ध्यान से सुनी और कोई भी समस्या के लिए कभी भी संपर्क करें शेयर समाधान। अभय चंदालिया, थैंक यू।